जी, कुल देवता, कुल देवी, ये कौन होते हैं? देखिए, शुरुआत से हम देखें कि प्रकृति का उदय जो है सनातन के आधार पर रुद्रयामल से हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिगुणात्म देवता, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये त्रिगुणात्म देवियों का उद्भव हुआ। इनके परस्पर सायुज्य से संपूर्ण जीवन का उत्पत्ति हुई और इस जीवन की उत्पत्ति क्रम के अंदर यह आप ध्यान रखें, इस प्रकृति का ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई जीवन नहीं है जो ऋषि मुनि की संतान ना हो। राजा से लेकर के रंग तक प्रत्येक व्यक्ति ऋषि मुनि की ही संतान है। और जो ऋषिकाएं होती थी वे देवी हो जाती थी और ऋषि जो होते थे वो गोत्र हो जाते थे। और कई जगह पर तो साक्षात जिनके कुलाक्रम का जिनको ज्ञात है, जिनके आदिकाल से लेकर के अभी तक की वर्णावली, वंशावली उनके पास में है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूपों की जो उपदेवियां हैं उनको भी कुल देवियों के रूप में माना गया। इनकी पूजा के बारे में पूछा भी तो यह बता दो कि यह मानव के बेहद निकट है, क्योंकि ये कुल की अधिष्ठात्री है, तो इनका व्यवहार भी कुल के समरूप होता है, यानी मानव समान होता है। तो सहज भाषा में यदि उसको समझाया जाए तो उस युग के अंदर यदि उनको खीर और पूरी या सत्तू का भोग लगता, या उस समय के जो श्रेष्ठ पदार्थ होते थे, खाद्य पदार्थ, उनका भोग लगता था, तो परंपरा क्रम के चलते हुए वंश के अनुसार आज भी उन्हीं का भोग लगता है और पूर्ण पवित्रता का ध्यान रखना उसमें बेहतर होता है। उसका कारण ये होता है कि वे उस सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप आपका जो कुलपला था शुरुआती दौर से आपके ऊपर पिताओं की तरफ से उस समय से, तो उसके आधार पर ही उनका व्यवहार रहा है। तो हमें उनके उस भाव को ही समझना आवश्यक है। योगी जन, ऋषि जन या महायोगी, या फिर हम कहें कि सदगुरु, इस प्रकार के जो गुरु हैं उन गुरुओं के अंदर यह सामर्थ्य है कि वे किसी भी प्रकार का काल्पनिक खाद्य पदार्थ भी अर्पित करते हैं तो उसको देवी ग्रहण करती, किंतु सामान्य गृहस्थों के लिए यह उचित होगा कि उनको जो परंपरा के अनुसार जो नियम पालन किए जा रहे हैं उन नियमों का पालन करना ही होगा। अब इस समय पर एक और सवाल उठ करके आया कि शुद्धि किस प्रकार की। तो देखिए, कुपुत्रो जायते कचिदपि कुमाता न भवति। संतान कहीं ना कहीं कुपुत्र हो सकती है किंतु माँ कभी भी कुमाता नहीं होती, ये हमारी दुर्गा सप्तशती में भी क्षमा प्रार्थना के अंदर वर्णित है। तो ये स्पष्ट इंगित करता है कि कोई सी भी देवी हो, देवता हो, वे सदैव दयालु रहते हैं। हाँ, उनका क्रोध अशम्य जब हो जाता है, जब उनका कवच खत्म हो जाता है किसी कुल पे जो कि लगातार उनकी अवहेलना करने लगते हैं। तो यदि आपके घर के अंदर निरंतर प्रयासों के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही और अचानक ही विपदाएं आ रही हो, बार बार विपदा आ रही है, तो स्पष्ट है कि आपकी कुल देवी, आपके पितृ आपसे असंतुष्ट है। तो उनकी संतुष्टि का आपको आयोजन करना ही होगा, वो बेहतर होगा, श्रेयस्कर होगा। अब बात उठती है शुद्धि की, तो शुद्धि के अंदर ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार से आपके कुल के अंदर इनकी पूजा के लिए जो विधान पूर्वजों के द्वारा पालन किया जाता रहा है, उसके अंदर देशकाल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत संपादन चलेगा, थोड़ा बहुत तो संशोधन चलेगा, किंतु ज़्यादातर उसी प्रकार से पूजा होगी। पुरुषों की शुद्धि के अंदर स्पष्ट है कि वे किसी भी इस प्रकार की जगह से ना आए जहाँ पर उनके ऊपर उनको सूतक पातक लगता हो, यानी कि वह किसी नेस्ट स्थानों से आते हैं तो उनको हाइजीन वैल्यूज मेंटेन करनी पड़ेगी, आंतरिक और बाहरी स्वास्थ्य मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि तो बीमारों के लिए सब अलाउड है ऐसा कहा जाता है। तो मानसिक जाप कर सकते हैं, भावनात्मक जाप कर सकते हैं, यही बात नारी पर लागू होती है। यदि नारी अशुद्ध है, यानी वो कहीं ना कहीं मासिक धर्म से है, तो वे थोड़ी सी दूरी अवश्य बना करके रखे, क्योंकि ये जो कुल देवी देवता है, जैसा मैंने पूर्व में कहा, ये उन मान्यताओं के आधार पर स्थापित किए गए जो कि आज से कई सैकड़ों साल पूर्व आपके पूर्वजों ने उनकी पूजा की होगी और उसकी उन्हें आदत है या उनकी प्रक्रियाओं का उन्हें बोध है। यह द्वितीय ऊर्जा होती है, देवता एक तत्वीय होते हैं, एक तत्वीय यानी हम पंच तत्व के बने हैं,
तो देवी देवता ये एक तत्वी होते हैं, वही शरीर में पितरात्माएं आती है धीरे धीरे धीरे, इसलिए उनको पितृदेव कहा गया, कुल देवी कुल देवता कहा गया। तो इन एक तत्व के अंदर काफी ताकत होती है, यदि क्रुद्ध हो जाते हैं तो आपके साथ में नवनी घटित होना संभव है। और जिसे मैंने बताया कि महामारी के समय के बहुत सारे जिसे कह सकते हैं कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे भ्रम हैं, तो स्पष्ट कर दे कि यदि आपके शरीर मन बुद्धि ये शुद्ध है, भाव शुद्ध है, तो आप किसी भी देवी देवता की आराधना कर सकते हैं उनको स्पर्श करे बगैर। तो एक और बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हम माता के एक स्वरूप कामाख्या की पूजन करते, वो एक रजस्वला देवी की ही पूजा है। उनके जो कुप होता है, आप जाएंगे गुवाहाटी के अंदर कामाख्या मंदिर में, तो उस कुप के अंदर आज भी माह के अंदर उन्हें मासिक धर्म आता है और लाल रंग का जल वहाँ से प्रदर होता है, जिसका कपड़ा लेकर के हम हमारे देव स्थानों तक में रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो स्पष्ट है कि मानव मन से बना हुआ है, मन से रची हुई सारी प्रक्रियाएं हैं। इसी मन को यदि हम मित्र बना लेते हैं, साध लेते हैं, तो फिर जो हमारे पास अवेलेबल है, जो उपलब्ध है, उनमें ही श्रेष्ठ पूजा हो जाती है। तो इसलिए अब स्पष्ट है कि कुल देवी देवता हमारे ही कुल के द्वारा जिसे कह सकते हैं कि उनका अनुष्ठान किया गया, पितरों के द्वारा उन्हें स्थापना की गई, आपके शुभ अवसरों पर उनको न्योता जाता है, उन्हें आमंत्रण दिया जाता है और उनकी पूर्ण विधि विधान से उनके ही नियम जो आपके पूर्वजों ने पालित किए हैं उसके आधार पर पूजा होती है। तो इनका आराधन विशेष अवसरों के ऊपर बेहद लाभप्रद है। ये कभी भी अपनी संतानों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न नहीं करते जब तक कि संतान सतमार्ग पर है। यदि वो कुमार्गी है तो अवश्य ही उसके ऊपर उनका श्रापित होना या उनका क्रुद्ध होना संभव है। तो कुलदेवी बेहद प्रथम है, गणेश के बाद में प्रथम यदि माना गया तो सती को माना गया, कुल देवी को माना गया, कुल देवता को माना गया, पितृ देवता को माना गया, ग्राम देवता को माना गया, नगर देवता को माना गया। तो इन देवताओं का बेहद महत्व है हमारी सनातन पूजा में। जी, नमो नारायण।